राजनामा दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। मामला 2 फरवरी को बेंगलुरु का है। लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर की गई। 17 साल की पीड़ित की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को और 354A के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित लड़की 2 फरवरी उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के एक मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने गई थी, तभी उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित छेड़छाड़ के बारे में बताया। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि मामला सामने आने के बाद येदियुरप्पा के ऑफिस ने कुछ दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें बताया गया है कि एफआईआर करने वाली महिला अब तक अलग अलग लोगों पर 53 केस कर चुकी है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।